हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। ये जयपुर में सिटी पैलेस के अंदर ही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा सा सिटी पैलेस भी है, जंतर मंतर है। इसका भी टिकट लगता है? टिकट कौन सा? 50 रुपये का टिकट है। अभी हमने टिकट लिया है यहाँ से, तो अभी हम चल रहे हैं जंतर मंतर के अंदर। आप दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या। ये देखिए जंतर मंतर पे हैं अभी हम। ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जंतर मंतर जयपुर। यहाँ पे देखिए काफी बड़े बड़े से घंटे लगे हुए हैं। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये, यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी विजिटर्स आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे। अभी हम सुबह ही पहुँचे हैं, तो यहाँ पे सुबह ही काफ़ी लोग आ गए हैं। ये क्या देखा है? क्या होता है? ये दिशा बताता है क्या? ये देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो दिशा बताती हैं, कुछ चीज़ें टाइम बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पहले के ज़माने में इन चीज़ों से टाइम चेक किया जाता था, दिशा चेक की जाती थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। पार्क की मेंटेनेंस तो सही कर रखी है? हाँ, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, अभी हम घूम रहे हैं जंतर मंतर में जयपुर में। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी साफ़ सफाई भी है यहाँ पे, और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे जो पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, जो कुछ मतलब कुछ टाइम देखने के लिए यूज़ किए जाते थे, कुछ दिशाएँ देखने के लिए यूज़ किए जाते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अभी हम पूरा एक्सप्लोर करा रहे हैं। और बताइए अब्दुल साहब, कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये फ़र्स्ट टाइम विज़िट है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आप तो जयपुर विज़िट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे जयपुर के अंदर जो ये देखने को मिल रहा है कि एक ही तरह की सारी इमारतें, एक ही तरह के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये बिल्डिंगों का एक ही तरह से रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ये यूनिक टाइप का लगता है। तो बहुत अच्छा बना हुआ है चारों तरफ से। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुराने टाइम की, राजाओं के टाइम की बनी हुई है। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये भी अपने टाइप का एक शाहकार है। ये देखिए यहाँ पर है बृहत सम्राट यंत्र। बृहत सम्राट यंत्र एक धूप घड़ी है जो कि 2 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बताती है। ये जो है ना, इसको कहते हैं बृहत सम्राट यंत्र। ये समय टाइम बताने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है।
आजकल तो घड़ियाँ लोग हाथ में ही बांध लेते हैं, उनसे ही टाइम पता चल जाता है। पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो इनसे टाइम पता किया जाता था। ये देखिए अभी हम इसमें नीचे की तरफ चल रहे हैं, यही बृहद सम्राट यंत्र जो घड़ी है, टाइम बताने वाला जो यंत्र है, इसमें अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से दिखाएंगे पूरा। तो मैं साहब क्या बता सकते हो आप कि किस टाइम क्या टाइम हो रहा है, कितने बजे कितने सेकंड हो रहे हैं? मुझे तो घड़ी ही देखनी पड़ेगी भाई। इसका मतलब इस घड़ी को लोग वही लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके दिशा बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसको इनकी नॉलेज हो या जिसने इन पे पूरी रिसर्च की हो। कोई मामूली आदमी तो नहीं बता पाएगा टाइम इसको देखकर। ये देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइडिंग बच्चों के लिए ऊपर से स्लिप करने वाला आइटम है। स्लाइड करोगे सीधा आओगे वहीं साहब नीचे। काफ़ी बड़े एरिया बना हुआ है। ये भी देखिए कौन सा यंत्र है, यंत्रों पर चढ़ना मना है। ये भी वही घड़ी, डू नॉट क्लेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है? ये वही है जो यहाँ पे वो दिखने का बड़ा बड़े साइज में, यहाँ पे छोटी साइज में ये दिखे कई तरह के है। हाँ देखिए ये जो ये चीज़ें हैं, यंत्र जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये राशि बताने के लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये है टॉरस ब्रश, सभी जितने भी सारे बने हुए हैं ये सब सभी ये राशि ही बताने के, ये अलग अलग राशि बताने के लिए हैं। मैं सब यहीं बैठता हूँ, आप बताइए हमारी। ये देखिए ये वाला कैंसर का कर्क राशि वालों का बताने के लिए है सिस्टम। ये देखिए वीरगो कन्या राशि। ये सब अलग अलग राशियों को बताने के लिए, जो भी उनका मतलब उनकी राशि में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बताने के लिए ये सारी चीज़ें यंत्र हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है ना सारा। ये देखिए यहाँ पर है लियो सिंह। हाँ एस्ट्रोलॉजी के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखिए स्कॉर्पियो राशि के लिए। हर तरह की राशि का पता चल सकता है आपको अगर इसकी नॉलेज है तो। कैप्रिकॉन मकर राशि की डिटेल्स जानने के लिए, हर राशि के लिए यहाँ पे अलग अलग यंत्र बने हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई सबसे खतरनाक आइटम, वो भाई साहब ये क्या कुआं है क्या, ये क्या है? प्रकाश, ये प्रकाश। अच्छा चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। प्रकाश यंत्र में
धूप का तो कुछ नहीं। तो देखिए अभी हम जो देख रहे थे इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। अभी करता क्या है ये तो इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। ये वाला जो है कुआं टाइप बना हुआ है जयप्रकाश यंत्र। ये प्रकाश की कुछ गति वति जानने के लिए या क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। काफ़ी देखिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं इसके नीचे जाने के लिए भी। देखिए वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। देखने को मिलेंगे आपके एक तो आपके फ्रंट साइड में एक पार्ट है, एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ सेम वैसा ही बी पार्ट है। ये वाला ए पार्ट है तो दूसरा बी पार्ट है। एक घंटा ये काम करता है, एक घंटा वो काम करता है। इसकी जो खाली जगह देख रहे हैं, खाली जगह जो लाल पत्थर वाली जगह है, ये पत्थर वाली जगह वहाँ के सफ़ेद पत्थर पे हैं और वहाँ के जो लाल पत्थर वाली जगह हैं सब गैप है वो यहाँ के सफ़ेद पत्थर पे हैं। ये एक दूसरे का अल्टरनेट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी एक घंटा ये काम करेगा और एक घंटा वो काम करेगा। क्या काम करेगा तो थोड़ा सर सनलाइट छोड़ो आप इधर से, मेरे हाथ के शर्ट इधर से उधर जाओ, उधर चले जाओ आप, मेरे हाथ का शर्ट आने दो थोड़ा, दिख रहा ना। ये देखिए एक ये रेलवे ट्रैक जैसा लाइन देख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन देख रहा है, ये लाइन ये विशुद्ध रेखा है जिसको दो पार्ट में बनाया हुआ है। ये उत्तरायण है तो ये दक्षिणायन है। ये साइड एक दूसरे की अपोजिट है, जो उत्तर वाली साइड है यहाँ दक्षिण का काम कर रही है और दक्षिण वाली जो साइड है वो उत्तर का काम कर रही है। यानी एक दूसरे की अपोजिट साइड है ये। और इस रेलवे ट्रैक से लेके एक लाइन खींची हुई दिख रही है मेरे हाथ की, जहाँ देखो कुछ राशियों के नाम लिखा है, वृक्ष मीन और आद्रम। यानी यहाँ से यहाँ तक का ये एक ब्लॉक है ये, और ऐसे दूसरी लाइन पे लिखा हुआ दूसरी राशियों का नाम धनु कुंभ और आद्रम, ये दूसरा ब्लॉक है यहाँ से। और लास्ट लाइन पे लिखा हुआ मकर और आद्रम, ये तीसरा ब्लॉक है। यानी तीन ब्लॉक ऐसे तीन खाने उधर बने हुए हैं, ऐसे तीन खाने इधर बने हुए हैं। एक वायर से बंधा हुआ एक मेटल है, आयरन प्लेट है, इसको मैं थोड़ा हिलाता हूँ तो इसकी छाया को देखना आप कहाँ गिरता है। ये हाँ उधर इस प्लेट का छाया जहाँ जिस ब्लॉक में गिर रहा है वो सूर्य की अभी लग्न राशि है। मकर राशि हमारे 12 महीने होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, सूर्य हर महीने एक राशि में रहता है। तो सूर्य कौन से लग्न राशि में हिंदुस्तान में जिन बच्चों का जन्म होगा, जन्म कुंडलियाँ होगी बनाई जाएगी, उसी के आधार से बनाई जाएगी तैयार होते हैं वो उसी के आधार। तो अभी ये लिखा हुआ है यहाँ धनु, ये लिखा हुआ धनु, यानी इस लाइन से लेके इस लाइन तक को टच करने में पूरा एक महीने का समय लेगा ये मेटल प्लेट से डॉ। और ये 22 दिसंबर को इस लाइन से बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा तो सूर्य का मकर राशि में एंट्री हो जाएगी धनु से मकर में। और ये 22 दिसंबर को यहाँ सबसे लंबी रात होगी जिस दिन ये यहाँ आएगा और सबसे छोटा दिन होगा। फिर 22 दिसंबर से ये वापस अपनी यात्रा वापस शुरू करेगा और यहाँ से 3 यानी 21 मार्च को ये यहाँ पर आ जाएगा जहाँ दिन और रात बराबर होगी। 21 मार्च के बाद में इधर लास्ट लाइन पर आ जाएगा 21 जून को जहाँ सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। फिर 21 जून से फिर 23 सितंबर को वापस यहाँ आ जाएगा जहाँ फिर दिन और रात बराबर होंगे। हाँ, और ऐसे धीरे धीरे अभी प्लेट मेटल का प्लेट का सेट हो धीरे धीरे जैसे गैप में आएगा फिर वो काम करेगा। अभी वो गैप में है तो ये ऊपर है, जब ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर वो काम करेगा पत्थर पे, तो वो अभी काम नहीं कर रहा। तो एक एक घंटे में एक एक देखिए अभी उन्होंने ये जो यंत्र है इसके बारे में बताया। यहाँ पे इसके देखिए दो पार्ट हैं, एक इधर है ये बी सेक्शन है और जो अभी ये दिखा रहे थे तो ये ए सेक्शन है इधर। तो ये एक एक घंटे दोनों काम करते हैं और ये राशियों के बारे में बताते हैं। और ये जो सूरज वगैरह जो घूमता है, जो पृथ्वी के चक्र लगाता है, वो उसमें जो मतलब जो भी राशियों में वो चेंजेस आते हैं वो उसके बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। बारह बजे बाद में जैसे इसका शेड्यूल इधर जाएगा, 12:15, 20, 45 बज गया।
फिर 2 बजे 3, 4, 5, 6 तो शाम को 6 बजे तक ऐसे टाइम ही दिखाएगा। अगर सूर्य का लाइट नहीं तो कोई पार्ट काम नहीं, नो सन नो पन, तो सूर्य का लाइट होना जरूरी है। तो ये सन डायल हो गया लघु सम्राट के अंदर। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे वो पोल स्टार के लिए। आई ये क्या है देखिए, चक्र यंत्रम, चक्र टाइप है ये। अब इसका भी कोई ना कोई यूज होगा। ये कुछ राशि उसी का बता रहा है। सही, यहाँ भी वो भी बना हुआ है। यहाँ से हिला नहीं था। ये देखिए क्या है, राम यंत्रम, राम यंत्र भी। यहाँ पर यंत्रों की जानकारी वालों वाले लोगों की जरूरत है। ये सब अलग अलग यहाँ पे यंत्र हैं, कुछ मतलब राशियों के बारे में बताते हैं, कुछ टाइम के बारे में बताते हैं कि अभी करंट टाइम क्या हो रहा है। देखिए ये है राम यंत्र, राम यंत्र बी था वो पीछे, और ये राम यंत्र ए है, ये उसका बी का कंप्लीमेंट्री है। जो पार्ट उसमें अवेलेबल नहीं होगा वो पार्ट इसमें अवेलेबल होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन। मैं हूं अब्दुल वाहिद, और हम घूम रहे हैं ये जंतर मंतर जयपुर में, जयपुर में सिटी पैलेस के अंदर है ये। तो एक बहुत ही बड़ा यहां पे जंतर मंतर है, जैसे दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है, तो ये उससे भी काफ़ी बड़ा है। और यहां पे बहुत सारे यंत्र हैं अलग अलग चीज़ों की नॉलेज लेने के लिए, जैसे आपको टाइम की नॉलेज लेनी है, राशियों की नॉलेज लेनी है, तो वो सब चीज़ों के लिए यहां पे बहुत पुराने टाइम के बड़े बड़े यहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, तो जिनसे हम मतलब बहुत सारी डिटेल्स हम ले सकते हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, तो अभी हम यहाँ से फिर एग्जिट कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भी अभी हमें जाना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ फिर से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर से मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।